सुजानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान धूमल ने झिनियारा पंचायत में नुक्कड़ सभाओं के दौरान प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर भी मौजूद रहे। धूमल ने ओपिनियन पोल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी सीटों में और वृद्धि होगी। धूमल ने कहा कि नवंबर के पहले सप्ताह में हर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होगी, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सर्वे में बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है वो अब 50 प्लस की जगह 60 प्लस हो जाएगी और 60 से ज्यादा सीटें भाजपा इस बार जीतेगी। अभी तो पहला सर्वे आया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में और वृद्धि होगी। हमारा अंदाजा तो ये है, जनता अगर रिस्पांस आपने देख लिया, पार्टी ने टारगेट दिया था 50 प्लस, लेकिन सर्वस्पर्शी कार्यक्रम जो पार्टी ने लिए हैं, समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ा है, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, दलित समुदाय हो, सभी वर्गों का जो समर्थन सहयोग मिल रहा है, उसके कारण हम समझते हैं कि जो पार्टी का टारगेट 50 प्लस है वो अब 60 प्लस हो जाएगा और जब तक चुनाव होगा तब तक 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं बीजेपी के बागी हुए उम्मीदवारों पर धूमल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि कल तक बागी उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर नाराज उम्मीदवारों को मना लिया गया है जिन्होंने अपना नामांकन तक नहीं भराया था। वहीं पार्टी ने तय किया है कि पार्टी की बात मानने वाले नेताओं को सत्ता में आने पर अच्छे ओहदे दिए जाएंगे। लोगों ने तो नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया है, उनको मना लिया गया है। सबको कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 60 70 100 ऐसा कार्यकर्ता होता है जो विधायक बन सकता है, पर टिकट एक होती है, पार्टी की मजबूरी है। इसलिए जिसको टिकट मिला उसको MLA बनाइए, जो अन्य डिजर्विंग लोग रह गए उनको पार्टी गवर्नमेंट आने पर पूरा मान सम्मान देगी, उनको एडजस्ट करेगी, जहाँ जहाँ संभव होगा उनको पदवी भी दी जाएगी। और आज का और कल का दिन है विड्रॉल का, हमें उम्मीद है जो एक दो लोग खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे। धूमल ने कहा कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की हर संसदीय क्षेत्र में एक एक रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला ऊना में भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 17 बीजेपी संगठनात्मक जिलाओं में शिरकत करेंगे और इसके बाद केंद्रीय नेता भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। अगले सप्ताह में मोदी जी की 4 रैलियां होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी महीने के अंत से अपने दौरे शुरू कर देंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 2014 में प्रदेश स्तर की बहुत बड़ी रैली सुजानपुर में हो गई थी। अभी अक्टूबर महीने में ही 3 अक्टूबर को बिलासपुर में हुई है, तो तीसरा बड़ा जिला हमारा ऊना है, इसलिए हमने प्रस्तावित किया है ऊना संसदीय हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ऊना में रैली हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी कार्यक्रम 17 के 17 जिलों में होंगे, जो संगठनात्मक जिले हैं वो भी सब जगह आएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य केंद्रीय नेता भी आएंगे।